तो आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड पेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देखेंगे कि हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में चाइल्ड पेज कैसे क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ चाइल्ड पेज, हमें चाइल्ड पेज की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारा एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट में हम तीन सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, और वो तीनों सर्विसेज क्या है, वो तीनों सर्विसेज है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन। अब हमने क्या किया कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एक सर्विसेज वाला पेज बनाया एंड सर्विसेज वाले पेज के अंदर ही हमने इन तीनों सर्विसेज को एलाबोरेट कर दिया। अब सपोज यहां पर अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट में आता है और उसे सिर्फ कॉन्टेंट राइटिंग के बारे में ही डिटेल चाहिए, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक्स डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो भी उसे सर्विसेज वाले पेज में आने के बाद सर्च करना होगा और उन्हें सारी चीजों को यहां पर देखनी होगी। उन्हें अपना कंटेंट राइटिंग के बारे में डिटेल कहां पर आपने लिखा हुआ है उसे वो सर्च करना पड़ेगा। सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूजर को चाहिए जो भी उनके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उन्हें उसे वन क्लिक में ही मिल जाए। तो यहां पर अगर हम चाइल्ड पेज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम इन सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहां पर हम करेंगे क्या, हम सर्विसेज वाला एक पेज क्रिएट करेंगे एंड उस सर्विसेज वाले पेज के नीचे हम तीन चाइल्ड पेज क्रिएट करेंगे जो होगी डिजिटल मार्केटिंग की, कॉन्टेंट राइटिंग की एंड ग्राफिक्स डिजाइन की। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला जो चाइल्ड पेज होगा उसके अंदर हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही सारा डिटेल प्रोवाइड करेंगे। सेम उसी तरह से हम कॉन्टेंट राइटिंग वाला चाइल्ड पेज में कॉन्टेंट राइटिंग के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे एंड उसी तरह से ग्राफिक्स डिजाइन वाला चाइल्ड पेज के अंदर हम सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में ही सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट में आएंगे उन्हें अपना रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिर्फ वन क्लिक में ही मिल जाएगा। अगर उन्हें ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में डिटेल चाहिए सिर्फ वो ग्राफिक्स डिजाइन वाले पेज पे क्लिक करेगा, उनके सामने सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये है चाइल्ड पेज का कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में चाइल्ड पेज क्रिएट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका अरूप टेक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। सो चाइल्ड पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। अब यहां पर देखिए, जब हम कोई एक नॉर्मल पेज क्रिएट करते हैं या फिर एक चाइल्ड पेज क्रिएट करते हैं, दोनों का प्रोसेस काइंड ऑफ सेम ही होता है। सो सबसे पहले हम यहां पर एक नॉर्मल पेज क्रिएट करेंगे जो होगी हमारी वेबसाइट की सर्विसेज पेज। सो सर्विसेज पेज क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे पेजेस में एंड यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर अपना पेज का टाइटल देंगे। सो हम यहां पर पेज का टाइटल देते हैं सर्विसेज एंड उसके बाद पेज क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहां पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ये हो गए एक नॉर्मल पेज क्रिएट करने का प्रोसेस। अब हम इसी तरह से एक चाइल्ड पेज क्रिएट करेंगे। अब देखिए चाइल्ड पेज क्रिएट करने का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, हमें पेजेस में आना है एंड यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर हमें नॉर्मल पेज की तरह पेज की टाइटल देनी है। सो यहां पर सबसे पहला जो हम चाइल्ड पेज क्रिएट करेंगे वो होगी डिजिटल मार्केटिंग। सो यहां पर हम टाइटल देंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब यहां पर ये पेज चाइल्ड पेज होगा, उसके लिए यहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेस हमें करनी है, वो है हमें नीचे आना है राइट साइड में एंड यहां पर पेजेस को सेलेक्ट करने के बाद जाना है पेज एट्रीब्यूट में। अब इस पेज एट्रीब्यूट में आने के बाद यहां पर देखिए हमें एक ऑप्शन मिलेगा पैरेंट पेज, यहां से हमें पैरेंट पेज सेलेक्ट करनी है। सो यहां पर हमने एक पेज क्रिएट किया था सर्विसेस, इस सर्विसेस वाले पेज को हम सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग पेज है इस पेज का पैरेंट पेज है सर्विसेस। अब पैरेंट पेज अगर सर्विसेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटल मार्केटिंग इसका चाइल्ड पेज होगा। बस इतना हमें करना है, देन उसके बाद हम यहां से पब्लिश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा यहां पर चाइल्ड पेज क्रिएट हो जाएगी। सेम इसी तरह से हम दो चाइल्ड पेज और क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इन सारे चाइल्ड पेज को हम मेनू में कैसे ऐड करते हैं। सो नया चाइल्ड पेज क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे फिर से पेजेस में एंड यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो यहां पर हम चाइल्ड पेज क्रिएट करेंगे वो होगी कंटेंट राइटिंग। सो हम यहां पर टाइटल देंगे कंटेंट राइटिंग। उसके बाद हम यहां से जाएंगे पेज एट्रीब्यूट में एंड इसका पैरेंट पेज हम सिलेक्ट करेंगे सर्विसेस। उसके बाद फिर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से एक चाइल्ड पेज हम और क्रिएट करेंगे जो होगी ग्राफिक्स डिजाइन की। सो हमने यहां पर तीन चाइल्ड पेज क्रिएट किया है। अगर आप तीनों चाइल्ड पेज को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली जाएंगे ऑल पेजेस में। यहां पर जैसे हम सर्विसेज वाले पेज के नीचे देखेंगे तो यहां पर हमें तीन चाइल्ड पेज दिखेगी। अब चाइल्ड पेज तो हमने यहां पर क्रिएट कर लिया, अब चाइल्ड पेज को कैसे हम मेनू में ऐड करते हैं। सो मेनू में ऐड करने के लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस में एंड यहां से हम मेनूज पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए ये सर्विसेज वाला जो पेज है वो आपको मेनू आइटम में दिखेगी।
अब मेनू आइटम में सर्विसेज वाला पेज तो आ गया, लेकिन इसका चाइल्ड पेज को लाने के लिए सिंपली हम इन तीनों चाइल्ड पेज को चेक करेंगे एंड ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये तीनों पेज जो है आपका मेनू में ऐड हो जाएगी। अब इन तीनों पेज को हमें सर्विसेज वाले पेज के सब मेनू बनाना है। सो सब मेनू बनाने के लिए हम इसे हल्का सा राइट साइड में स्वाइप करेंगे एंड इसे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि सर्विसेज वाला मेनू का तीन सब मेनू बनेगा जो हमारा तीन चाइल्ड पेज है। इतना होने के बाद अब हम यहां से सेव मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा मेनू यहां पर सेव हो जाएगी। अब हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आएंगे, यहां पर हम इसे रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा मेनू में एक सर्विसेज वाला मेनू ऐड हो गया है एंड इस सर्विसेज वाले मेनू के अंदर जो भी तीन चाइल्ड पेज था हमारा, वो तीनों चाइल्ड पेज यहां पर दिख रही है। अब जब कोई यूजर किसी भी चाइल्ड पेज पे क्लिक करेगा तो आपके सामने चाइल्ड पेज तो ओपन होगी, लेकिन इसका यूआरएल हमेशा पेरेंट पेज के नेम के साथ ही बनेगी। जैसे आप यहां पे यूआरएल में देख पा रहे हैं, यहां पर सर्विसेज के बाद कंटेंट राइटिंग का चाइल्ड पेज आपको दिख रहा है। सेम इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे चाइल्ड पेज में जाएंगे तो उसका भी यूआरएल आपको यहां पे दिखेगी, सर्विसेज एंड उसके बाद जो आपका चाइल्ड पेज है। सो आई होप आपको ये पता चला कि चाइल्ड पेज का क्या कॉन्सेप्ट है एंड अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में हम चाइल्ड पेज कैसे क्रिएट करते हैं। सो बस दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।